तेंदुआ अब तक 9 लोगों पर हमला कर चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर बोरीवली नेशनल पार्क, पवई और आरे के आसपास के एरिया में पाया गया है। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर छाई हुई है, तेंदुआ। खबर भी तो कुछ ऐसी है, लगता है पूरे मुंबई शहर में अकेला तेंदुआ ही रह रहा है। एक ऐसे ही दूसरे वारदात में एक आदिवासी को एक जंगल के बीचों बीच एक आदमी की लाश मिली, पर पुलिस के मुताबिक इस आदमी को तेंदुए ने नहीं, किसी और ने मारा है। सीआईडी इस मामले की जांच करने नेशनल पार्क पहुंच चुकी है। ये देखो, जमीन पर खून पड़ा है, बारिश में धुल गए फिर भी दिखाई दे रहे हैं। ये जगह जंगल में करीब 3 किलोमीटर अंदर है। ये लेपर्ड इसे जंगल में इतनी दूर घसीट के लाया कैसे होगा? ये बात मेरे दिमाग में भी आ रही है। जमीन पे बॉडी घसीटने के कोई निशान दिख नहीं रहे, पौधे भी टूटे हुए नहीं दिख रहे। गले में एक भी निशान नहीं है। तेंदुए ने गला पकड़ा ही नहीं, पीठ पे भी तेंदुए के पंजे के निशान नहीं है, तो फिर तेंदुए ने इसे मारा कैसे? तेंदुआ पहले गला पकड़ता है ना? हाँ, लेपर्ड तो ज्यादातर गला ही पकड़ता है, मगर यहाँ पे खून के निशान है, इसका पैर भी खाया हुआ है। दया, मुझे लगता है पहले इस आदमी को किसी ने यहाँ ला के फेंका है और बाद में लेपर्ड ने इसे खाया है। शायद इसकी मौत तभी हुई होगी जब इसे यहाँ फेंका गया है। हाँ, तेंदुआ सड़ी हुई लाश नहीं खाएगा, ये आदमी ताजा ताजा ही मरा है। शायद इसे जहर देके मारा होगा, और इस केस में लेपर्ड बेचारा बिना बात के बदनाम हो रहा है। आसपास का एरिया हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। ये देखो, यहां जरूर कुछ हुआ है। जूते के पंजे पे काफी मिट्टी लगी हुई है, शायद किसी को घसीट के लाया गया है। लगता है हमें यहां एक और आदमी भी मिलेगा। इतनी हिम्मत पड़ गई इन लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को गोली मारकर उसे जंगल में फेंक दिया। वो तो उस तेंदुए को धन्यवाद देना चाहिए जिसकी वजह से दक्ष मिल गया। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बच्चा? सर, इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। डोंट टेल मी दैट, मुझे ना नहीं सुनना है, आपको इसे बचाना ही होगा, समझे आप? सर, इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, लगता है किसी ने इसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया है। अगर इसे यहाँ पहले लाया जाता तो शायद ये बच भी जाता। एसीपी साहब, एसीपी साहब, दक्ष की ये हालत आपकी वजह से हुई है। आप लोगों ने दक्ष की बात सुनी नहीं, आप लोग तो उसके दुश्मनों के साथ मिल गए। देखिए डॉक्टर रंजनिका देशमुख, सीआईडी में हमें क्या करना है ये आप हमें मत सिखाइए। जब से आप यहां आई है आपने बगावत का झंडा खड़ा कर दिया है। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दक्ष की मदद नहीं की, उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। हम एक गैंग के पीछे लगे हैं और अगर हम दक्ष की मदद करते तो वो गैंग हमारे हाथ से निकल जाती, समझे? कैसे निकल जाती? प्लीज चिल्लाइए मत। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ते
और उससे पूछताछ करते कि दक्ष के भाई को किसने मारा है तो बाकी सब भाग जाते हैं। 5-6 महीने से हम लोग इन पे निगाह रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला ड्रग्स का मंगोलिया से आ रहा है। जो आदमी ये ड्रग्स बेचता है वो भी आने वाला है। हमने इनके लिए जाल बिछा के रखा है। सबके सब पकड़े जाने वाले हैं, ड्रग्स भी, सप्लायर्स भी, गैंग भी। ऐसे में हम दक्ष की मदद कैसे कर सकते थे? इसके सिर पर तो जुनून सवार था अपने भाई के खूनी को पकड़ने का। सारा ऑपरेशन खराब हो जाता। पर हमारा एक इन्फॉर्मर वहां उस गैंग में है, बलराज, वो भी मारा जाता। मगर अब भी क्या हुआ, बेचारा दक्ष तो गया और वो गैंग भी आप लोगों के हाथ नहीं लगा। बलराज को तो बचा लिया आप लोगों ने और अपने ऑफिसर को मरने के लिए छोड़ दिया। वाह सीआईडी, वाह। अब एक्शन लेने का समय आ गया। कोई हमारे आदमी को मार दे और हम चुपचाप देखते रहें, ये हो नहीं सकता सर। ठीक है, बलराज से पता करो कि मंगोलिया से ड्रग्स कब आ रहे हैं। उसे कहो मुझे सही सही जवाब चाहिए जल्दी। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती की है अभिजीत। अगर दक्ष की मौत हो गई तो सर, सर बलराज फोन उठा नहीं रहा। शायद घर पर होगा, घर पे फोन करो। सर घर पे भी ट्राई किया, वहां भी कोई उठा नहीं रहा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। या तो वो सो रहा होगा या फिर क्या, या फिर वो होश में नहीं। मतलब उस गैंग को पता चल गया होगा कि बलराज हमें खबर दे रहा है। शायद सर मोबाइल कंपनी में फोन करो और उन्हें बलराज का फोन नंबर दो और उनसे कहो कि इसे ट्रेस करें। उनसे पूछो कि ये फोन अभी कहां पर है। जी सर, नंबर बताइए। 9901178 70। जी सर, मैं अभी देखती हूँ। चेक कर रही हूँ। सर ये जो मोबाइल फोन है अभी चल नहीं रहा है, एक ही जगह पर है। कौन सी जगह पर है? सर खार में है, 10th रोड पर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर बलराज इस वक्त खार में है सर, 10th रोड में। 10th रोड खार? सर 10th रोड खार में तो उस गैंग का ऑफिस भी है। हाँ, ये टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस बना रखा है, वो तो दिखाने के लिए ऑफिस खोल के रखा है। वहाँ पे होता तो कुछ और ही है। चलो उस ऑफिस पर रेड करने की तैयारी करो। एसीपी साहब, ये मत भूलना कि दक्ष यहाँ पर मौत से लड़ रहा है। ऑफिस तो बंद। ये बलराज इस वक्त कहां पर है? 1 घंटे पहले वो यहीं पर था, इसी एरिया में, 10th रोड खार में। अभिजीत, बलराज ने जो खबर दी है उसे उसके पैसे दिए ना तुमने? यस सर। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? सर मोबाइल कंपनी बता रही है कि बलराज अपनी जगह से हिला ही नहीं है सर। वो उसी जगह पे चिपका हुआ है, 10th रोड खार। सर वो यहीं कहीं पे है। तो फिर ढूंढो उसे, सारा ऑफिस अच्छी तरह से ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। दक्ष को मारा गया और अब बलराज। अगर दक्ष ने जल्दी ना मचाई होती तो वो लोग भाग नहीं सकते थे। बलराज मारा गया और ये लोग भी हाथ से निकल गए। दक्ष होश में आएगा तो ही कुछ पता चल सकता है। दक्ष की हालत अब पहले से बहुत बेटर है, शायद बच जाएगा। थैंक गॉड। पता नहीं क्या क्या किया उन लोगों ने इसके साथ। ये देखा आपने, कल रात से ही हम इसके शरीर से ये टुकड़े निकाल रहे हैं। सारे कांच अलग अलग टाइप के, अब तक 40-50 टुकड़े तो हम निकाल चुके हैं। ये कांच के टुकड़े क्या किसी ने टॉर्चर करने के लिए बॉडी में घुसा दिए?
नहीं, मुझे लगता है कि या तो ये कांच के टुकड़े इस पर फेंके गए हैं या फिर ये टूटे हुए कांच के ढेर पर गिर गया। इतने सारे टूटे हुए कांच का ढेर कहाँ हो सकता है? ग्लास फैक्ट्री में? हाँ, ग्लास फैक्ट्री में हो सकता है। उन लोगों ने दक्ष को किसी ग्लास फैक्ट्री में बंद करके रखा होगा। पर ये पता कैसे चलेगा? बलराज से। बलराज? हाँ सर, बलराज तो मर चुका है। हाँ, पर उसका मोबाइल अभी भी जिंदा है। मोबाइल कंपनी से हमें पता चल जाएगा कि बलराज का मोबाइल फोन कहां कहां पर घूम रहा था। उसने जहां जहां भी फोन किए होंगे उसका पूरा रिकॉर्ड हमें मोबाइल कंपनी से मिल सकता है। उससे हमें पता चल सकता है कि ये ग्लास फैक्ट्री कहां पर है जहां पर दक्ष को बंद किया गया होगा। सर, सर पिछले 15-20 दिनों में बलराज ने मोबाइल से कहां कहां फोन किए और कहां कहां से उसे फोन कॉल्स आए सब पता चल गया सर। तो क्या ये भी पता चला कि उसने किस किस जगह पे खड़े होकर फोन किए थे? हाँ सर, वो भी पता चला है। मोबाइल फोन की यही तो बीमारी है सर, कोई भी बात छुपती नहीं। तो क्या क्या पता चला? सर, बलराज ने सबसे ज्यादा कॉल्स अंधेरी एरिया में से किए और सबसे ज्यादा कॉल्स उसे तब आए जब वो अंधेरी ईस्ट में था। अंधेरी ईस्ट? वहां तो काफी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। जरा पता करो वहां पे कोई ग्लास फैक्ट्री है क्या। दक्ष के शरीर में से कांच के टुकड़े निकले हैं। क्या काम है साहब? क्या बात है, कोई है नहीं फैक्ट्री में? फैक्ट्री बंद है साहब। क्यों? वो वर्कर लोगों का मालिक से झगड़ा है ना साहब। ये मालिक कौन है? मालिक साहब, वो मालिक मालिक मैं हूँ मालिक। मेरा नाम आनंद, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। सीआईडी का यहाँ क्या काम आ पड़ा? आप यहाँ हर रोज आते हैं इधर फैक्ट्री में? नहीं, कभी कभी। यहाँ और कोई आया था आप दोनों के अलावा? शूटिंग वाले आए थे साहब। शूटिंग होती है यहाँ पे? टॉप शॉट प्रोडक्शन करके कंपनी है, टीवी सीरियल्स बनाते हैं वो लोग। चलो दिखाओ जरा कहाँ पे हो रही थी शूटिंग, देखता हूँ शूटिंग ही कर रहे थे या कुछ और। सर ये यहाँ कर रहे थे वो लोग शूटिंग, यही वो जगह है। अभिजीत, इस जगह का एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना। यस सर। दया सर, तुम उस तरफ जाके देखो। फ्रेडरिक्स सर, तुम वहां देखो। सर आ गया। सर यहां आइए, यहां पे खून है सर। ये देखिए सर, खून पड़ा हुआ। सर यहां भी कुछ है। ये हाँ तो आनंद जी, यहां किस चीज की शूटिंग हो रही थी? हाँ वहां खून पड़ा है, शायद नकली होगा। अच्छा, और अगर असली हो तो? तो तब क्या होगा? मालूम नहीं सर। तुम अंदर होंगे, समझे? क्या बात कर रहे हैं सर आप। और तुम यहां होते हो जब यहां शूटिंग हो रही होती है? नहीं साहब, वो लोग हमको बाहर भगा देते थे और शूटिंग ही नहीं देखने देते थे। सर यहां पे कुछ जलाया हुआ है, ये देखिए। तंबाकू है, किसी ने तंबाकू जलाई है यहाँ पे। साहब वो लोग रात को यही रुकते थे। शूटिंग के बाद? हाँ साहब, दो आदमी बाहर जाते थे खाना लाने के लिए और सिगरेट लाने के लिए। सिगरेट के पैकेट बहुत आते थे साहब। तो ये जलाया हुआ तंबाकू सिगरेटों में से निकाला गया है और सिगरेट्स में कुछ और ही भरा गया है, ड्रग्स। कहाँ से लाते थे वो सिगरेट? सामने पान की दुकान है ना साहब, फैक्ट्री के सामने। हम लोग सीआईडी से, तुमसे कुछ पूछना है। क्या साहब?
क्या बात है? ये लोग जो फैक्ट्री में शूटिंग करते थे वो तुमसे बहुत सारे सिगरेट खरीदते थे? हाँ साहब, बहुत सिगरेट पीते थे, 4-5 कार्टून रोज ले जाते थे। कौन से सिगरेट पीते थे? प्लेमेट, प्लेमेट साहब। सिगरेट में कुछ गड़बड़ है? वो लोग सिगरेट में ड्रग्स भर कर बेच रहे हैं। माँ कसम साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ मालूम है? तुम्हारे सामने उन लोगों ने कभी कोई बात की? नहीं साहब, मेरे सामने तो कभी कुछ नहीं बोले। सिगरेट लेते थे, चले जाते थे। हाँ, बस एक बार थोड़ा झगड़ा हुआ था। क्या? परसों सुबह छुट्टे नोटों के ऊपर मेरी उस आदमी से बहस हो गई थी। 500 का नोट दे रहा था, चेंज दे दो साहब, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है। अरे यार, छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो है आपके हाथ में 100 का नोट, ये दे दो। ये नहीं दे सकता हूँ यार, मैं पैसे बाद में दूंगा, चलेगा? नहीं साहब, उधार ही नहीं दूंगा। है तो आपके पास 100 का नोट? अरे यार, इस पे कुछ लिखा हुआ है यार। जो कुछ लिखा है उसे दूसरे कागज पे लिख डालो, कागज मैं दे देता हूँ। वो नोट है तुम्हारे पास? हाँ। ये रहा। उस नोट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे बहुत बारीकी से मिटाया गया है। मुझे तो डर है कहीं ऊपर की इंक मिटाने में नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो भी ना मिट जाए। ये चांस तो हमें लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। टू लिखा हुआ है। Zero 2 2 1 6 5 9 0 2। ये तो कहीं का टेलीफोन नंबर लगता है। अभिजीत सर, पता करो ये नंबर कहाँ का है। कहाँ का नंबर? जेनोबार का। ओके ओके ओके, दया नोट पर जो नंबर लिखा है 2 1 6 5 9 0 2, वो जेनोबार का नंबर है। में बैठा वही है। ड्रग्स के मामले में पहले भी पकड़ा जा चुका है, कुछ मैंने पहले ही छुटाई। तुम मुझे कवर करके रखो, मैं देखता हूं। ठीक है, यहां बैठ सकता हूं? और भी जगह है ना बार में भाई, ये भी तो खाली है। सुनता नहीं है, यहाँ नहीं बैठना, चल हवा ना दे, चल। मुझे थोड़ी बात करनी है तुमसे। मुझसे? हाँ। तू मुझे जानता है? हाँ। कौन है तू? मुझे थोड़ा काम है तुमसे। चुपचाप भाग जाए यहाँ से, 2 सेकंड और रुकेगा तो लाश जाएगी तेरी यहां से। चल भाग, भाग यहां से। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी ड्रग्स चाहिए थी। क्या बकवास कर रहा है? मुझे तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। कौन दोस्त ने? बलराज, दक्ष। तुम भाग गए तेरी गाड़ी में। मार दूंगा इसको। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। सबो देखो, मंगोलिया से जो ड्रग्स आ रही है उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है? क्या जानते हो इसके बारे में?
देखो सुबू, तुम्हारे सारे पाप धोने का ये आखिरी मौका है। ट्रक से काफी लोग मारे जा रहे हैं, तुम सबको बचा सकते हो। बता दे सुबू। जिन्ना। हाँ। 16 तारीख। मंगोलिया से एशियन लिंक। सोलह तारीख को मंगोलिया से कोई चीना नाम का आदमी आ रहा है, वही हमारा शिकार है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।